Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request. Please get connected to the Telegram channel above, join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing the PDF of the question and answer, whatever is. Coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense that is the last lecture there is an i button given about please click it watch that particular lecture and then you can come here very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press are विच आर अपलोडेड पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट्स as far as द रिमाइंडर्स आर कंसर्न लेट मी गेट स्टार्टेड विथ today's लेक्चर आप सभी का स्वागत है स्टीविन मेक्स इट ईजी पे और आज मैं पढ़ाई कम जानकारी ज्यादा दूंगा स्पेशली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर टू जो हाल ही में हमने कंप्लीट किया है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इसको मैं पूरी तरह से समराइज़ कर रहा हूँ और आपको ये जानकारी बता रहा हूँ इस लेक्चर के दौरान कि कितने लेक्चर्स कंडक्ट किए गए थे और उन लेक्चर्स के दौरान आपके लिए हमने क्या क्या कवरअप किया था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवरअप की गई है वन बाय वन में ये आपको बता देता हूँ एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग द टाइम मैं ये डिटेल्स आपको दे रहा हूँ आपको उसके जो लिंक्स है वेरियस चैप्टर्स के सॉरी वेरियस लेक्चर्स के लिंक इस स्पेसिफिक चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता चला जाएगा सो इट बिकम्स अ लॉट ईजी आपको काफ़ी सिंपल हो जाएगा प्ले के अलावा इस समरी लेक्चर के द्वारा भी सारे लेक्चर्स को सारे इंडिविजुअल uh, लेक्चर्स को सर्च करने के लिए ओके okay. नो वेरी क्विकली बिसाइड्स द नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि भाई एस पी सब्जेक्ट क्या होता है उसमें आपको क्या करना है हमने चैप्टर नंबर टू में सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस मैं सिखा नहीं रहा क्योंकि सिखाने के लिए ऑलरेडी एट लेंथ देर आर थर्टीन लेक्चर्स वन थ्री लेक्चर्स दैट वर कंडक्टेड राइट नाउ मैं सिर्फ एक रोशनी डाल रहा हूँ फोकस डाल रहा हूँ कि हर एक लेक्चर के अंदर हमने कौन से कौन से कॉन्सेप्ट कौन से कौन से टॉपिक्स कवर अप किए लेक्चर वन के अंदर आप नोटिस कर सकते हो राइट एट द बॉटम ऑफ द फ्रेम दिया गया है फीचर्स ऑफ शेयर्स एंड व्हेनेवर हमने कोई भी टॉपिक कवर अप किया उसके लिए एक कोडिंग वो कोडिंग एक वर्ड में हो सकता था एक डायलॉग में हो सकता था एक फ्रेज में हो सकता था लाइक दिस वन विराट इम्पोर्टेड कावासाकी आई रिपीट माइ से कभी कभी द कोडिंग मेक्स एब्सोल्यूटली नो सेंस समाइम्स इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस वट एवर इज इट द पर्पज ऑफ द कोडिंग कोडिंग का उद्देश्य क्या है आपको थोड़ा हेल्प कर लिए इन रिमेंबरिंग मैक्सिम पॉइंट्स इफ नॉट ऑल द पॉइंट कंसर्निंग दैट स्पेसिफिक टॉपिक ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर हमने कवरअप किए फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑब्वियसली इसके पहले थोड़ी थियरी थी कि इक्विटी शेयर्स होते क्या है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं जैसे ही ये टॉपिक कवरअप हो गया इसके लिए हमने एक कोडिंग आपके लिए दे दिया ये सारी चीज़ें पी में अवेलेबल रहेगी जैसे ही ये समरी लेक्चर कंप्लीट हो जाता है इसका एक पी डी जनरेट किया जाता है और वो पी के अंदर ये सारे आंसर्स जो होते हैं इस कोड के हिसाब से होते हैं टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली इस कोड के हिसाब से नहीं है बट पी में क्योंकि ये पी हमारी तरफ से जो टीम है वो बनाती है बोलने के लिए टीम है एक ही इंसान है जो अपनी पूरी मेहनत करता है और ये सारी पीडीएफ बनाता है जो मैं नहीं हूँ मेरा काम है प्रेजेंटेशन का वो हमारे दूसरे पार्टनर है जो यहाँ पर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को एक्सपर्डाइड करते हैं मतलब उसको यूज़ करते हैं ओके okay, तो ये था लेक्चर नंबर टू लेक्चर नंबर थ्री में हमने फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखे और उसी का कोडिंग एट दी एंड था आर बी आई फोर्सेस फॉर टू यूज न्यू एम टाइर्स एज एन वेंट हमारी कहानी आगे गई वी वेंट टू लेक्चर नंबर फोर जिसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस कवर अप किए गए थे अराउंड एट प्रेफरेंसेस, बट उसके कोडिंग uh, में चार ही दिया गया क्योंकि सारे प्रेफरेंसेस एक दूजे के ऑपोजिट थे चेस्ट सी पी आर इज वॉट वी हैड कवड अप जैसे ही हमने ऐसा कोई टॉपिक कवर अप किया जिसके डिस्टिक्शन बिटवीन की पॉसिबिलिटी है तो अगेन टेक्स्ट बुक के अलावा हमने ये कोशिश किया है कि चैप्टर को एक ऑर्डर में सिखाया जाए इसके लिए एक लेक्चर डेडिकेटेड था टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफ्रेंशेस कहानी थोड़ी आगे चली गई नेक्स्ट लेक्चर में रिटेन अर्निंग्स होती क्या है जो कमाया हुआ पैसा है उसको बचाया गया है उसको रिटेंड अर्निंग्स कहता है उसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं ऑल ऑफ़ दैट वॉज डिस्कस्ड इन द लेक्चर फॉर रिटेंड अर्निंग्स मूविंग ऑन लेक्चर नंबर सेवन में वी मूव ऑन टू बोरोड कैपिटल उसमें डिबेंचर्स क्या होते हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग एंड रिमाइंडर के लिए ये कोड यूज़ किया गया था मूविंग ऑन हमारी गाड़ी गई टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे आते आते लेक्चर एट आ गया उसकी एक कोडिंग आपको दी गई थी और क्योंकि डिबेंचर्स की समाप्ति हो गई लेक्चर नंबर नाइन के अंदर शेयर्स और डिबेंचर्स क्योंकि दोनों खत्म हो चुके हैं दोनों का इंफॉर्मेशन आपने सुन लिया है पढ़ लिया है समझ लिया है उसका डिस्टिंगशन बिटवीन कर लिया ताकि फिर ये डिस्टिंक्शन एक तरीके से क्या होता है एक रिमाइंडर uh, होता है एक रिविजन लेक्चर बन जाता है लेक्चर नंबर टेन के अंदर बोरोड फंड में एक कॉरपोरेट एक कंपनी और कहाँ कहाँ से शेयर से पैसा ले सकती है डिबेंचर से पैसा ले सकती है बट पब्लिक डिपॉजिट इशू करके भी और बॉन्ड इशू करके भी ये दोनों लेक्चर नंबर टेन में हमने कवर अप किया था कहानी गई लेक्चर नंबर इलेवन में और हम थोड़े देशी से विदेश की तरफ चले गए और विदेश से पैसा एक कंपनी कैसे इशू कर सकती है? कैसे ले सकती है तो उसमें हमने ए और जी ये दोनों कंसेप्ट पढ़े आगे लेक्चर चला गया लेवन नंबर में ही और कमर्शियल बैंक हमारी या कंपनीज की किस तरह मदद कर सकते हैं लेक्चर ट्वेल्व के अंदर हमारे सरकार ने जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो कंपनीज़ को स्मॉल स्केल मीडियम स्केल लार्ज स्केल को कैसे हेल्प कर सकती है कितना पैसा दे सकती है कितने लॉन्ग टाइम के लिए पैसा दे सकती है ये सारा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कवर अप किया गया एज वेल एज़ ट्रेड क्रेडिट क्या होता है ट्रेड क्रेडिट वॉज समथिंग जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो आपके नुक्कड़ में आपके गली चौराहे में छोटा सा एक बिजनेस रखता है बड़ा कोई उसका सोशा का बिजनेस नहीं है जब सप्लायर उसको माल देता है वो इमीडिएटली पेमेंट नहीं करता है उसको पंद्रह बीस दिन या एक महीने के बाद पेमेंट मिलता है उसको ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है वो इस कवर्डअप इन लेक्चर नंबर ट्वेल्व एंड क्योंकि पूरा लेक्चर्स की सीरीज खत्म हो गई लेक्चर नंबर थर्टीन में लास्ट में ओल्ड फंड और बोरोड कैपिटल के बीच में ओके okay, क्या फ़र्क है ये डिस्टिंगशन बिटवीन के माध्यम से हमने कवर अप कर लिया नीज वो ऑल द वेरियस लेक्चर्स दैट वर कंडक्टेड ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन पुट इन अ वेरी वेरी नीट एंड ब्यूटीफुल लुकिंग पीडीएफ ओके काफ़ी मेहनत की गई है ये पीडीएफ के पीछे चुटकी बजा के एक दिन में ये बिल्कुल नहीं बनता है दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली डन सो देट आपकी इससे मदद हो सके आप हम सभी लोग आजकल कभी कभी तो बटवा लेना भूल सकते हैं पर मोबाइल लेना नहीं भूलेंगे कोई ना कोई डिजिटल डिवाइस तो हमारे पास होता ही है तो ये पी डी एफ आप हमेशा आपके मोबाइल में रख सकते हो डोंट वरी वज़न इसके वजह से पी डी एफ का आपका मोबाइल का वज़न बढ़ने वाला नहीं है अगेन दी कंप्लीट क्वेश्चन बैंक द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से कवर अप किया गया है इस चैप्टर में स्पेशली लिस्ट काफ़ी लंबी थी तो क्वेश्चन नंबर वन ए विच वॉज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव या मैच द पेस या उसके बाद में वन वर्ड और वन फ्रेज उसके बाद में थ्रू और फॉल्स एवरी थिंग विद दी ऑप्शन विच आर करेक्ट विच हैव बीन सिलेक्टेड अगर एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन साइड में कोई गलती हुई है वो गलती को रेक्टिफाई भी किया गया है अगेन पेज नंबर्स नोटिस करना ये कोई दो तीन चार पाँच पेजेस का पीडीएफ नहीं है इट इज़ कम्प्लीटली इन डिटेल कम्प्लीट सेंटेंसेस अगेन मैच द पेज विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर इन वन सेंटेंस इन सीक्वेंस जैसे आप आपके टेक्सट बुक में क्वेश्चंस देखोगे अंडरलाइन और री राइट द फॉलोविंग सेंटेंसेस अगर कुछ गलती हुई है तो मतलब उन सेंटेंसेस के अंदर गलती से मैं एक बात ये ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है ये जो पी है किसी इंसान ने ही बनाया है ओके ऊपर ऊपर से चेक करने का काम मैं भी कर लेता हूँ बट येस दे कैन बी मिस्टेक वो मिस्टेक आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट आउट कर सकते हो तो उससे क्या हो जाता है ना आप ये पढ़ भी रहे हो और आप प्रूफ चेक का काम हमारे लिए भी कर रहे हो जिसके वजह से जब इसका अगला वर्जन निकलेगा उसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक आपने पॉइंट आउट किया जिससे हमारी बहुत मदद हो जाती है हम उस गलती को सुधार देंगे ताकि अगला वर्जन के अंदर वो बग या वो मिस्टेक ना रहे ओके मूविंग ऑन आपके लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर केस uh, स्टडीज़ है तो केस स्टडीज़ भी पूरी तरीके से डिस्टिशन बिटवीन भी पूरी तरीके से सॉल्व किया गया है उसके बाद में आंसर इन ब्रीफ अगर उसके लिए एक कोड है वो कोड के हिसाब से वो आंसर का प्रेजेंटेशन दिया गया है जस्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आई रिपीट माई सेल्फ जहाँ पर भी हमारे तरफ से एक कोड जनरेट किया गया था और उसके कनेक्शन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया है इन द क्वेश्चन बैंक कैटेगरी एज पर दैट पर्टिकुलर कोड दैट क्वेश्चन हैज़ बीन प्रेजेंटेड ताकि अगर आप देखो ओके आर बी आई फॉर टू यूज न्यू एम आर एफ टाइज इसमें जो कोड जनरेट हुआ है एज पर दैट द आंसर हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू यू सो इट बिकम्स अ लॉट सिंपलर एंड ईजियर to read this particular answer and also to remember it almost at the end of this particular PDF jiske andar aapko types of debentures uska code again debenture aur uske features क्या होते हैं सारा कुछ A to Z इस PDF में available है again I repeat myself a lot of hard work काफी मेहनत लगती है ये PDF को generate करने में हमें इस बात की खुशी होगी कि ये पी आपके लिए उपयोगी था आपके लिए मदद आपकी किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा था तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए इसको टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किया जाएगा अगर आप टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए कोई पैसों का भुगतान नहीं करना है एब्सोल्युटली ये भी फ्री है और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टेड रहना वो भी फ्री है अपने दोस्तों को भी इनकेज करें जिन लोगों जो जो लोग ये स्टैंडर्ड में है जिनको ये सब्जेक्ट है वो हमारे साथ टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाए आखिरकार अगर आपको ये पता करना है जो मैंने पढ़ाया है और जो आपने सीखा है उसकी वजह से आप कितने पानी के ऊपर हो और पानी के नीचे छोटा सा एक बीस मार्क का टेस्ट आपके लिए बनाया गया है पहला पूरा पढ़ लीजिए अपने तरफ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए उसके बाद ये टेस्ट आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें सो आई होप ये सारी जानकारी विथ ऑल द नेसेसरी लिंक्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स इस समरी लेक्चर के अंदर और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है कृपया करके लिंक्स का इस्तेमाल करें पीडीएफ का यूज करें और चैप्टर को चैप्टर के लिंक्स को लेक्चर को उसके लिंक्स को और पीडीएफ और पीडीएफ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ओके okay? ताकि जैसे आपकी हेल्प हो रही है आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर आप यहाँ पे पुराने हो तो लिंक्स को शेयर जरूर करें अगर आप नए हो सब्सक्राइब तो बटन को दबाएं दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं और जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए वो ज़रूर आप दबाएं जब तक हम दोबारा ना मिले, मैं तो फ्रेश ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर थ्री अपना ख्याल रखें बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखें गुड डे टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस बाय फॉर नाउ।